एग्जाम्पल टू, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइड रूट थ्री साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इस प्रॉब्लम को भी हल करने के लिए साइन एक्स का कोफिशिएंट रूट थ्री है, तो रूट थ्री का स्क्वायर प्लस कॉस एक्स का कोफिशिएंट वन है, तो वन का स्क्वायर रूट पहले ऑब्टेन कर लेंगे। तो थ्री प्लस वन इजकल टू फोर इक्वल टू टू, तो इसमें टू से डिवाइड करना पड़ेगा। तो डी एक्स डिवाइड तो टू रूट थ्री बाई टू साइन एक्स प्लस वन बाई टू कॉस एक्स। वन बाई टू को बाहर निकालेंगे, डी एक्स डिवाइड इसको कॉस में लिख सकते हैं तो, या साइन में भी लिख सकते हैं। यदि कॉस में लिखेंगे तो इसको साइन में लिखेंगे, तो कॉस 30 डिग्री रूट थ्री बाई टू यानी कॉस पाई डिवाइड सिक्स 30 डिग्री, तो साइन एक्स प्लस साइन पाई डिवाइड सिक्स कॉस एक्स। तो पूरा प्रॉब्लम मेरा साइन के फॉर्म में आ जाएगा। तो फॉर्मूला के अनुसार साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी साइन ए प्लस बी। वन डिवाइड साइन ए को इंटीग्रेशन ऑफ वन डिवाइड साइन कॉस एक्स प्लस पाई बाई सिक्स डी एक्स। वन बाई टू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन लॉग टैन एक्स प्लस वाई बाई सिक्स डिवाइड टू प्लस सी मॉड इक्वल टू वन बाई टू लॉग मॉड टैन पाई बाई टैन एक्स बाई टू प्लस पाई डिवाइड ट्वेल्व प्लस सी। यदि इस पूरे प्रॉब्लम को 2 इंटू रूट थ्री बाई टू साइन एक्स प्लस वन बाई टू कॉस एक्स के लिए हम इसको पूरे को कॉस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इसका रिजल्ट आएगा। वन बाई टू बार इसको हम साइन पाई बाई थ्री साइन एक्स साइन 60 डिग्री रूट थ्री बाई टू, और इसको कॉस पाई बाई थ्री कॉस एक्स इस रूप में भी लिख सकते हैं। वन बाई टू डी एक्स डिवाइड फॉर्मूला के अनुसार कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी कॉस ए माइनस बी, तो एक्स माइनस पाई बाई थ्री इसको लिखेंगे। वन बाई टू वन डिवाइड कॉस सेक एक्स माइनस पाई बाई थ्री डी एक्स। सेक का इंटीग्रेशन वन बाई टू सेक एक्स का इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स माइनस पाई बाई थ्री माइनस प्लस टैन एक्स माइनस पाई बाई थ्री फाइनली प्लस सी। तो इस प्रॉब्लम को हम साइन पूरे प्रॉब्लम को साइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और इस प्रकार से दो अलग फॉर्म में रिजल्ट दिखा सकते हैं।